हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसवी फार्मेसी। नमस्कार, आप सब लोगों को स्वागत है आप सबका बीएसवी फार्मेसी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टॉप 5 जॉब्स आफ्टर बी फार्मा, कि बी फार्मा के बाद में आप लोग कौन कौन सी जॉब्स कर सकते हो, किस किस फील्ड में आप लोग जा सकते हो। प्लस हमारे जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर फार्मेसी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते एडमिशन, क्या क्राइटेरिया है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को थंबनेल में पता ही लग गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या बातें करने वाले हैं। तो बेटा स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि आप सक्षम हो या नहीं हो बी फार्मा करने के लिए। तो बी फार्मा करने के लिए आपको केवल और मात्र बेटा इतना सा काम करना है कि 12th को पास करना है साइंस साइड से। साइंस साइड का मतलब क्या है, पीसीएम या फिर पीसीबी से। ये बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि सर हम लोग मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं बट हमारे पास में 12th में मैथमेटिक्स था तो क्या हम लोग मेडिकल कोर्स कर सकते हैं। तो बेटा आप लोग मेडिकल कोर्स में खाली बी फार्मा और डी फार्मा ही कर सकते हो अगर जो आपके पास में 12th में PCM था। तो PCM वाले स्टूडेंट भी, यानी कि साइंस साइड वाले जो बायोलॉजी वाले हैं वो तो कर ही सकते हैं बट अगर जो किसी के पास में मैथमेटिक्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, देन वो स्टूडेंट्स भी बी फार्मा कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया यही आ जाता है 12th पास विद साइंस स्ट्रीम, यानी कि आपकी साइंस से 12th होनी चाहिए, चाहे आपके पास में PCM हो चाहे आपके पास में PCB हो। अब यहाँ पर एक और तरीके के स्टूडेंट होते हैं, वो होते हैं NIOS। NIOS स्टूडेंट वो भी फार्मेसी करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो खाली अप्लाई कर सकते हैं, NIOS वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई भी पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि हर एक कॉलेजेस NIOS स्टूडेंट को फार्मेसी कराता है। इसके लिए कुछ सफिशियंट या फिर स्पेसिफिक कॉलेजेस ही हैं, तो आपको एडमिशन लेने से पहले इस बारे में कंफर्मेशन कर लेना है। उसके बाद लास्ट बात करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। तो फार्मेसी करने के लिए आपकी मिनिमम एज 17 इयर्स की होनी चाहिए। तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 इयर्स की। आगे मूव करते हैं और आगे अब हम लोग बात करेंगे कि फार्मेसी करने के बाद क्या हम लोग एक ग्रेजुएटेड पर्सन कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। तो फार्मेसी अगर जो आप कर रहे हो वो भी बी फार्मा डी फार्मा, क्योंकि एक डिप्लोमा कोर्स होता है बैचलर इन फार्मेसी। अगर जो आप बी फार्मा में एडमिशन लिया है तो बी फार्म अगर जो आप कर रहे हैं तो बेटा उसमें आपको ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होगी। अगर जो आपने बी फार्म की हुई है तो आप जैसे बीएससी वाले बीएससी करने के बाद में ग्रेजुएटेड कहलाते हैं तो आप भी बी फार्म करके ग्रेजुएटेड कहलाओगे। बट बी फार्म करके आप एक और नाम से बुलाए जाओगे जो कि है फार्मासिस्ट, यानी कि ग्रेजुएटेड प्लस फार्मासिस्ट दोनों आप लोगों को बोला जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही चीज यहां पर बोली गई है कि आफ्टर बी फार्म यू विल ग्रेजुएट, यानी कि बी फार्मा करने के बाद आप ग्रेजुएटेड कहलाओगे, यानी कि आपने ग्रेजुएशन की हुई है इसका मतलब, और बी फार्मा करने के बाद आप फार्मासिस्ट भी कहलाओगे। तो एक डिग्री दो चीज कहलाना बहुत बड़ी बात है, तो बिकम अ फार्मासिस्ट। इसके बाद में बात करेंगे आप लोग बी फार्मा करने के बाद में कोई अदर कोर्सेज है ना, यहाँ पर यही बात बोली गई कि डू अनदर कोर्स और कंटिन्यू फार्मा स्टडीज, मतलब कि आप लोग बी फार्मा करने के बाद में कोई अदर कोर्स भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज अगर जब फार्मेसी फील्ड में ही अपने स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो देन आप वो भी कर सकते हैं। इट विल बी डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या करना है। ओके, आगे बात करेंगे हमारे लाइसेंस के बारे में कि बी फार्मा करने के बाद में हमें किन किन चीजों का लाइसेंस मिलता है। तो सबसे पहले हमें केमिस्ट शॉप का लाइसेंस मिल जाता है। अगर जो हम लोगों ने बी फार्मा किया हुआ है तो हम लोग केमिस्ट शॉप के, अगर जो हमें केमिस्ट की शॉप ओपन करनी है तो हम लोग बी फार्मा के लिए करने के बाद में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो केमिस्ट शॉप यानी कि जो आप लोगों ने मेडिकल शॉप देखा होगा उसी को बोलते हैं। सेकंड हमारा आ जाएगा बेटा यहाँ पर क्या कि आप लोग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर जो आपने बी फार्मा की हुई है। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट खाली मेडिकल शॉप पर एज एन कंसल्टेंट वर्क कर सकते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो करनी है यानी कि जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस के लिए अगर जो अप्रूवल चाहिए तो उसके लिए आपके पास में बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। तो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और थर्ड नंबर पे आ जाएगा कि आप होलसेल मार्केट के लिए, यानी कि जो होलसेल का मार्केट होता है ना, होलसेल की शॉप के लिए भी आप लोग लाइसेंस अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकते हो आफ्टर बी फार्मा।
ये तो बात हो गई रिटेल के लिए बेटा, और ये किसके लिए है, होलसेल लाइसेंस के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे हमारी केमिस्ट शॉप और जॉब्स, यानी कि केमिस्ट शॉप तो हमारी ओपन हो जाएगी, उसमें होलसेल और रिटेल दोनों तरीके का हो सकता है। जॉब्स के बारे में बात करेंगे, तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे अब हम लोग केमिस्ट शॉप और जॉब से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात वही है कि हम लोग एक केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं भाई, केमिस्ट के शॉप के लिए लाइसेंस अगर जो अप्रूवल करा सकते हैं तो ओपन करने के लिए तो अप्रूवल कराएंगे, पहली चीज। सेकंड थिंग हमारी क्या है, वर्क इन अ फार्मा कंपनी, हम लोग किसी भी फार्मा कंपनी में यानी कि फार्मेसी कंपनी में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर जो फार्मा एमबीए किया हुआ है तो आप लोग एज एन एडवाइजर या फिर कोई भी अपना मार्केटिंग के लिए है ना, तो आपको कोई क्या टेक्निक्स अप्लाई करनी है, ये सारी चीजें आप लोग फार्मेसी में अलग अलग सेक्टर्स में जॉब रहती है। आप लोग फार्मा कंपनी जॉब, यहाँ पर वर्क इन फार्मेसी कंपनी, फार्मा कंपनी जॉब, दोनों बात एक ही है ना। फार्मेसी कंपनी में आप जॉब भी कर सकते हो QA QC क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा ऑल्सो अप्लाई इन कॉमन जॉब्स, आप लोग कॉमन जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कॉमन जॉब्स लाइक आप किसी भी मेडिकल शॉप पर भी वर्क कर सकते हो एज एन ट्रेनिंग के तौर पर, फिर आप अपने केमिस्ट शॉप का अपनी खोप ओपन करने वाले हो अगर जो है ना, आप हॉस्पिटल्स में जॉब कर सकते हो, ये अलग अलग हमारी क्या रहती है, आप लोग इन कॉमन जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हो। और लास्ट हमारे पास में आ जाएगा गवर्नमेंट जॉब फॉर फार्मेसी स्टूडेंट, फार्मेसी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब अलग अलग रहती है, ड्रग इंस्पेक्टर, रेलवे फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, एयरपोर्ट फार्मासिस्ट है ना, एयरपोर्ट फार्मेसी आप लोगों ने देखी होगी, वहां पर फार्मासिस्ट के लिए जॉब कर सकते हो। तो इन सारी चीजों में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, आप लोग एयरफोर्स फार्मासिस्ट, आर्मी फार्मासिस्ट, नेवी फार्मासिस्ट, हर जगह फार्मासिस्ट की वैकेंसीज निकलती रहती है। आगे मूव करें और आगे हम लोग बात करते हैं अब करियर ऑप्शन के बारे में कि करियर ऑप्शन हमारा क्या क्या रहता है। बी फार्मा करने के बाद में आप लोग बी फार्मा करने के बाद में फार्मा डी भी कर सकते हो, क्या यू कैन अप्लाई फॉर फार्मा डी, आप लोग फार्मा डी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फार्मा डी क्या होता है, तो इसको मैं बिल्कुल लोवेस्ट लेवल से लेकर के चलूंगा, जैसे किसी बच्चे ने डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि जो 2 साल का कोर्स रहता है अगर जो किसी ने वो कंप्लीट किया हुआ है, तो जब वो बी फार्मा में एडमिशन लेता है तो उसको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलता है, तो उसके लिए बी फार्मा 3 साल का बचता है। ऐसे अगर जो किसी ने बी फार्मा किया हुआ है, बैचलर इन फार्मेसी कंप्लीट किया हुआ है, और अगर जो फार्मा डी करना चाहता है तो फार्मा डी 5 साल का कोर्स होता है, बट स्टूडेंट को डायरेक्ट थर्ड ईयर में एडमिशन मिलता है, यानी कि 2 ईयर स्किप हो जाते हैं, यानी कि वो भी फिर 3 साल का ही कोर्स आपके लिए बचेगा। उसके बाद में सेकेंड हमारे यहाँ पर आ जाता है पोली फार्मा क्लिनिक। अब हमारा पोली फार्मा क्लिनिक ये एक ऐसी बात है जो कि अभी भी इसके लिए केस चल रहा है, मतलब कि आप लोग बहुत अलग अलग न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स में सारी चीज़ें न्यूज़ पढ़ते रहते होंगे कि अब फार्मेसी स्टूडेंट भी खोल पाएंगे क्लिनिक, अब फार्मासिस्ट भी खोल पाएंगे क्लिनिक, बट इसके लिए अभी कोई भी स्पेसिफिकली कोई मतलब कि एक तरीके से रजिस्टर्ड ऑर्डर नहीं आया है कि आप लोग खोल ही सकते फार्मासिस्ट। बस इस पर ये काम होगा, ज़रूर आएगा, ये बिल्कुल आएगा, क्योंकि कि फार्मासिस्ट क्या है, पूरी की पूरी ड्रग मेडिसिन के बारे में वो भी पढ़ता है ना, तो ये सारी चीजें जरूर होंगी, बट इसमें कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन ही इसके अंदर रखी जाएंगी कि फार्मासिस्ट खाली इन्हीं मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकता है विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी MBBS या फिर लाइक MD डॉक्टर्स, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो करियर ऑप्शन आ जाएगा क्या है, फार्मेसी टीचर, हम लोग एज एन फार्मेसी टीचर के तौर पर भी जॉब कर सकते हैं, बट फार्मेसी टीचर के तौर पर हम लोगों को जॉब करने के लिए हम लोग प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए हमें क्या है, हायर डिग्रीज होना है ना, वहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन होना, प्लस हमें वहाँ पर क्वालिफाई करना पड़ेगा लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, PhD होल्डर्स, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सभी के सभी बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर के बैठे रहते हैं। तो फार्मेसी टीचर के तौर पर आप लोग कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में भी जॉब कर सकते हो। ये हमारा ऑप्शन करियर ऑप्शन के बारे में बात हो गई, ठीक है। इसके बाद में अगर जो आप लोग बी फार्मा और डी फार्मा आप लोग 100% बैचलर इन फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे होंगे तभी आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, या फिर करने वाले हो, तो आप लोगों के लिए BSc फार्मेसी लेकर के आया है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज। आप लोग जस्ट जाइए प्ले स्टोर से BSc फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से जाकर के आप लोग डेमो सेक्शन देख करके अपनी क्लासेज में एनरोल भी कर सकते हो। अभी इन क्लासेस का बेनिफिट आपको ये हो जाता है कि आपको
कंप्लीट मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस डाउट सेशन वन शॉट वीडियो मैराथन क्लासेस होम डिलीवरी नोट्स पीडीएफ नोट्स सारी चीजें आप लोगों को इस कोर्स के अंदर मिल जाती है। और आप लोग जस्ट जाइए बीएससी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए एंड वहां से जस्ट रजिस्टर करके अपना ऐप ओपन कीजिए। और अगर जो आपको कोर्सेज एंड डेमो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप लोग कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए कि आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो और वहां पर आपको अगर जो कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में खाली इतना ही था, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो है ये वीडियो। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना और वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग वो भी बता देना, तो उसी के रिगार्डिंग मैं अगला वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।